बीजेपी पार्टी विपक्ष को खत्म करना चाहती है? क्या बीजेपी की साजिश अरविंद केजरीवाल को समन भिजवाने की थी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह कई बार ये बात कह चुके थे कि अगला नंबर उनका है, यानी कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। और यही होता है कि आज जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ करेगी शराब घोटाले को लेकर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सबिता, स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को कल सीबीआई का समन भेजा गया था और ये कहा गया था कि आपसे 16 तारीख को यानी कि आज के दिन पूछताछ की जाएगी शराब घोटाले को लेकर। एक तरफ मनीष सिसोदिया जो है जेल के अंदर बंद है, तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का हो सकता है। यहाँ पर कपिल सिब्बल जो कि इंसाफ के मुहिम नाम की जो है यहाँ पर एक मुहिम चला रहे हैं, इंसाफ के सिपाही नाम की मुहिम चला रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर वो कहीं ना कहीं विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी को लेकर यहाँ पर कपिल सिब्बल भी जो है हमलावर हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी वाले विपक्ष मुफ्त भारत चाहते हैं, यानी कि विपक्ष ना हो और भारत में एक पार्टी और एक ही चुनाव हो। इस तरीके का जो है बयान वो देते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ कहा है मैं आपको बताऊंगा। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तलब किए जाने को लेकर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ दल विपक्ष मुक्त भारत चाहता है और वो उसके खिलाफ खड़े होने वाले नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ सिब्बल ने सभी विपक्षी दलों से जांच एजेंसियों के इस दुरुपयोग के खिलाफ एक सुर में आवाज उठाने का आग्रह किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक ऐसे सभी दल एक साथ खड़े नहीं होंगे तब तक बीजेपी का मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। यानी कि यहां पर देखा जाए तो कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा और केंद्र की सरकार के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने यह बात कही है कि वो ईडी सीबीआई के खिलाफ जो है कोर्ट पहुंचेंगे और कोर्ट में जो है दलील पेश करेंगे और ये कहेंगे कि जो ईडी सीबीआई सवाल पूछता है वो सवाल ठीक नहीं है। हालांकि ये अरविंद केजरीवाल का बयान है कि वो कोर्ट का रुख करेंगे। अब देखना ये होगा कि जब अरविंद केजरीवाल से आज पूछताछ की जाएगी तो किन सवालों को रखा जाएगा और क्या अरविंद केजरीवाल आज फंस जाएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।